तो प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं किस तरीके से इस ड्राइंग के ऊपर कलरिंग किया था, और आज के इस वीडियो में इस ड्राइंग को मैं फिनिश करने वाला हूँ। तो अपने अगर कलरिंग पार्ट नहीं देखा होगा तो जरूर से देख लेना, उसके अलावा इस पार्ट में आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगी। बाय द वे वीडियो के लिंक मैंने के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग देख लेना। तो चलो आज के इस वीडियो में इस ड्राइंग को फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं कॉटन बर्ड से फुल ड्राइंग को जो भी मैं कलरिंग किया था एक एक पार्ट पकड़ के ब्लेंड कर लूंगा, लाइक पहले बैकग्राउंड उसके बाद फेस ऐसा करके, और बैकग्राउंड में धीरे धीरे करके कॉटन बर्ड को राउंड राउंड करके आप लोगों को ब्लेंड करना है, जैसे तैसे करके घिस के मत ब्लेंड कर देना। और ब्लेंड करने के टाइम अगर कलर फेड हो रहा है तो पहले जिस भी कलर के ऊपर आप लोग ब्लेंड कर रहे हो उस कलर से पहले इस तरीके से कॉटन बर्ड के ऊपर घिस लेना है, देन देखना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी मैं फटाफट ब्लेंड कर लेता हूँ पूरे ड्राइंग के ऊपर। और अभी फेस में ब्लेंड करने की टाइम याद रखना कि पहले लाइट पार्ट में ब्लेंड करना है एंड देन डार्क पार्ट में ब्लेंड करना है, और लाइट और डार्क पार्ट को मार्च करने की एरिया में हल्का करके ब्लेंड करना है। और व्हाइट पार्ट में अभी ब्लेंडिंग नहीं कर रहा हूँ गाइस, क्योंकि उस पार्ट में अभी कलरिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रीवियस पार्ट में ओनली व्हाइट कलर से शेडिंग किया था, और अभी जस्ट उसके ऊपर कहाँ पर कौन सी कलर है रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके शेडिंग करना है, और बियर्ड्स की एरिया में हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक देना है। ओके, इस पार्ट में भी कलरिंग कंप्लीटेड है, और अभी नॉर्मल जो भी टोपी की एरिया है उसके ऊपर कॉटन बर्ड से इस तरीके से ब्लेंड करना है, और बियर्ड्स के एरिया में फिंगर से ब्लेंड करना है, बट हेयर्स की स्ट्रोक के अकॉर्डिंग आप लोगों को ब्लेंड करना है, ऐसा नहीं कि हेयर्स किसी और डायरेक्शन में और आप किसी और डायरेक्शन में ब्लेंडिंग कर रहे हो। ओके, कलरिंग ब्लेंडिंग दोनों कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अभी पूरे ड्राइंग के ऊपर कलर करेक्शन करना है रेफरेंस फोटो को ऑब्जर्व करके, लाइक पहले बैकग्राउंड में जहाँ पर डार्क चाहिए वहाँ पर सैप ग्रीन नहीं तो ब्लैक से शेडिंग कर सकते हो, और जहाँ पर लाइट चाहिए वहाँ पर व्हाइट से शेडिंग कर सकते हो। बाकी आप लोग अच्छी तरीके से देखो मैं कहाँ पर किस तरीके से कर रहा हूँ। और अभी क्योंकि सेकेंड लेयर चल रही है तो अभी कॉटन बर्ड से ब्लेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप लोग फिंगर से लो प्रेशर में ब्लेंडिंग कर सकते हो। और अभी शर्ट के ऊपर जो भी रेड पार्ट है उस टाइप के एरिया में थोड़ा लाइट कलर चाहिए था मुझे, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, एंड देन उसको भी फिंगर से ब्लेंड कर लेना है। और अभी सेम यहाँ पर बियर्ड्स में भी जहाँ पर हाईलाइट चाहिए वहाँ पर व्हाइट से शेडिंग कर रहा हूँ, और डार्क चाहिए जहाँ पर डार्क चाहिए वहाँ पर ग्रे या फिर डार्क ब्राउन या फिर ब्लैक से शेडिंग कर रहा हूँ, और बाद में इसको भी लो प्रेशर में फिंगर से ब्लेंड कर लेना है। और अभी यहाँ पर हैंड्स के ग्लव्स में भी सेम जहाँ पर हाईलाइट चाहिए वहाँ पर व्हाइट से शेडिंग करना है, और जहाँ पर डार्क चाहिए वहाँ पर ब्लैक से शेडिंग करना है, एंड देन इसको भी फिंगर से ही ब्लेंड कर लेना है।
तो बस फेस के अलावा हर एक पार्ट्स में कलर करेक्शन हो गई है। और अभी कैची से बियर्ड्स के ऊपर स्क्रैच करके हाईलाइट करना है। किस तरीके से मैं कर रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से देखो। और अभी यहाँ पर जो 25 दिसंबर लिखा हुआ है उसको मैं कलर पेंसिल से कलर कर रहा हूँ। आप लोग ऑयल पेस्टल से भी कर सकते हो, बट आई थिंक कलर पेंसिल से करोगे तो थोड़ा और अच्छी तरीके से हो पाएगी। ओके, सब कुछ कॉम्प्लीटेड है, अभी फेस के ऊपर कलर करेक्शन करना है। तो डार्क एरिया में अभी ब्लैक और ब्राउन से शेडिंग कर रहा हूँ। और नीचे गाल में देखना थोड़ा रेड सा है, तो वहां पर मैं रेड कलर का यूज कर रहा हूँ एकदम हल्का करके। और ऊपर देखना थोड़ा येलो सा है, तो वहां पर मैं डीप येलो कलर का यूज कर रहा हूँ वो भी हल्का करके। और हाईलाइट जहाँ पर है उस टाइप के एरिया में व्हाइट कलर का यूज करके शेडिंग करना है। एंड देन इसको भी अभी लो प्रेशर में कॉटन बट से ब्लेंड करना है। और अभी नेक्स्ट जहाँ पर भी मुझे लग रहा है थोड़ा और डार्क चाहिए, तो वहाँ पर मैं डायरेक्ट ब्लैक नहीं तो डार्क ब्राउन कलर का यूज कर रहा हूँ। ओके, ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। अभी छोटे छोटे रेडियस में डार्क करने के लिए ब्लैक कलर पेंसिल का यूज करना है। और हाईलाइट जहां पर भी चाहिए वहां पर कैची से स्क्रैच करना है। तो बस ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को ये ड्राइंग पसंद आई है, तो एक लाइक जरूर से कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना वो भी। सो मिलते हैं किसी और ड्राइंग वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।